कोरोना वायरस से बचने के लिए अपने हाथों को लगातार साबुन से धोएं। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। इस साल कोरोना महामारी के कारण प्रशासन की हिदायतों का पालन करते हुए बैसाखी पर्व पर संगत ने डिगियाना स्थित गुरुद्वारे में माथा टेका। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता एमवी राजशेखरन का आज बेंगलुरु के एक प्राइवेट अस्पताल में निधन हो गया। दिल्ली में जाकिर नगर की गली नंबर 18 को कोविड-19 कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। पंजाब के अमृतसर स्वर्ण मंदिर गुरु हरमिंदर साहिब में बैसाखी के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने किया स्नान। तमिलनाडु में मदुरै के थबल थांती नगर को कोविड-19 कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। भारत में कोरोना संक्रमितों को दाखिल कराने के आरोपी जाली मुखिया को नेपाल पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 9000 पार, अब तक 308 लोगों की मौत। हॉटस्पॉट वाले इलाके में नजर रखने के लिए कानपुर पुलिस ने ड्रोन का इस्तेमाल किया। चीन में 108 और पाकिस्तान में 334 कोरोना के नए मामले सामने आए, पाकिस्तान में 93 की मौत। उर्मिला मातोड़कर ने शेयर किया कुत्ते को नहलाते हुए वीडियो, बोली पेट्स की वजह से नहीं फैलता वायरस। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल अलाइव 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।